କୃଷି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3500 କୋଟିର ସବସିଡି ଘୋଷଣା। 60 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଚିନି ରପ୍ତାନିରେ ସବସିଡି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ଯିବ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। 18000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 5 କୋଟି ଚାଷୀ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହେବେ। कृषि आईन प्रसंगे चली आंदोलन मध्य मोदी कैबिनेट बुधवार एक बड़ निष्पत्ति। सरकार 60 लक्ष टन चीनी रप्तानी करने को निष्पत्ति। आय एवं यार सब्सिडी सीधा सड़क 5 कोटी चाषी आकाउंट जमा हेबो। कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रविशंकर प्रसाद एक सांबादिक सम्मेलन करी निष्पत्ति संपर्क में सूचना देते। केंद्र मंत्री कहते चलित बर्ष सरकार 60 मिलियन टन चीनी रप्तानी रे सब्सिडी देवा को निष्पत्ति। सब्सिडी सीधा सड़क कृषक आकाउंट को जीव एति 3500 कोटी टंका खर्च हेब। यह व्यतीत 18000 कोटी टंका आय कृषक मानको मध्य दिया जीव। एथिरु 5 कोटी चासी और 5 लक्ष श्रमिक उपकृत हेबे बोली केंद्र मंत्री कहते। हर जगह की हर राज्य की स्थिति अलग अलग है लेकिन वो सब रजिस्टर्ड है और मुद्दा है कि बकाए के एवज में ही ये रकम सरकार मिल को दे फिर मिल किसान को दे ये न करते हुए हम सीधे किसान को दे रहे। ये फर्क है। और जो मैंने कहा कि इसका फायदा कितने लोगों को होगा तो किसान और उसके डिपेंडेंट पकड़कर यानी दोनों मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का इसमें फायदा है। ये हमें समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। 60 लक्ष टन चीनी रप्तानी हेबो टन पिछा 6000 टंकारे। प्रकाश जावड़ेकर को अनुजाई चलित वर्ष चीनी उत्पादन 310 लक्ष टन जेतेबेले कि देशरे उपभोक्ता आवश्यकता 260 लक्ष टन। चीनी रा मूल्य कम होइतिबारु आखु चासी एवं चीनी शिल्प समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। एहाकु दूर करिबा पई 60 मिलियन टन चीनी रप्तानी एवं सब्सिडी देबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। कृषि आईन प्रसंगरे कृषकंक आंदोलन मध्यरे मोदी सरकार चासीमानक सुविधा पई एहि निष्पत्ति नैछंती। कृषि आईन प्रसंगरे कृषकमानकु मणाइबा पई सरकार निरंतर चेष्टा करुछंती। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।